आलिया भट्ट, रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर मच अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज नजदीक है और निर्माता इसके प्रीमियर के लिए दर्शकों को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसी के अनुसार निर्माताओं द्वारा मुंबई में फिल्म का एक भव्य लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कथित तौर पर सुपरस्टार सलमान खान फिल्म लॉन्च के दौरान एक विशेष अतिथि के रूप में दिखाई देंगे। सलमान खान जो वर्तमान में अपनी नवीनतम एक्शन फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ की सफलता के आधार पर काम कर रहे हैं, हाल ही में तारा सुतारिया और अहान सेठी फिल्म तड़प की स्क्रीनिंग में भी शामिल हुए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह संभावना है कि सुपरस्टार एसएस राजामौली की इस फिल्म के लिए भी उपस्थित होंगे। सलमान खान के अलावा कई प्रमुख अभिनेताओं के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि इसके बारे में एक आधिकारिक पुष्टि अभी तक प्रतीक्षित है। फिल्म की बात करें तो ट्रिपल आर 7 जनवरी को सिल्वर स्क्रीन पर हिट होने के लिए तैयार है। आलिया भट्ट, रामचरण और जूनियर एनटीआर के अलावा फिल्म में अजय देवगन, श्रिया सरन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ट्रिपल आर एक बड़े बजट की देशभक्ति पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त स्कोर होगा। यह फिल्म दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी और कई अन्य भाषाओं में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप ट्रिपल आर प्रीमियर में सलमान खान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।